क्षय रोग उपचार के जनक डॉक्टर रॉबर्ट कोच की याद में विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर गुरुवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से क्षय रोगियों की खोज के लिए जन जागरूकता रैली को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी ने हरी झंडा दिखाकर रवाना किया। क्षय रोग प्रभावी नियंत्रण व उसके उन्मूलन के लिए रैली के माध्यम से जन जागरूकता और विभिन्न क्षेत्रों में पूर्ण निष्ठा व समर्पण का आह्वान किया गया। 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने जाने के लिए समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी है कि टीबी के लक्षणों वाले मरीजों को जिला क्षय रोग केंद्र पर लाएं, जहां उनका निशुल्क जांच और इलाज के साथ प्रत्येक मरीज को 500 रुपये प्रति माह प्रोत्साहन राशि भी मिलती है। रैली और जन जागरूकता के माध्यम से फरवरी 2019 तक लगभग 1000 टीबी के मरीजों की खोज करके उपचार किया जा रहा है। रैली के माध्यम से छिपे हुए मरीजों की खोज में मिलती है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। रैली में डॉक्टर बीबी राव, डॉक्टर विराट स्वरूप, डॉक्टर सुनील सिंह, एएन मिश्रा, अरुण सिंह, सत्यप्रकाश भारती, उपेंद्र राय, जितेंद्र गिरी सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर मिश्र और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी ने कहा, रैली और जो हम सब प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसका हमें बहुत बेनिफिट मिला है। बेनिफिट ये मिला है कि इस साल जो है 2017 में और जो है और 18 में देखा गया है लगभग 1000 केस में डिफरेंस आया है। 1000 केस हम लोग नए खोज किए हैं और हम जन जागरूकता इसलिए फैला रहे हैं कि इसके बारे में जब हम बताते हैं कि भाई ये किसी एक व्यक्ति विशेष का जो है रोग नहीं है, यह पूरे समाज की समस्या है। समस्या इसलिए है कि एक आदमी को यदि टीबी हो जाता है तो देखा गया है उस व्यक्ति का यदि समय से इलाज और जांच न हो तो वह व्यक्ति साल में 10 से 15 लोगों को जो है टीबी दे सकता है। और इसलिए हमको जो है हर व्यक्ति को जागरूक करना, समाज के हर वर्ग को जागरूक करना हमारी प्राथमिकता है। इसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने 24 तारीख को जो है यहाँ पर जो है पुष्पांजलि अर्पित किया गया, इस पर डिस्कशन किया गया, हमारे स्टाफ आए और ये कहा गया कि आप सब अपने अपने क्षेत्रों में जा कर के अपने अपने TU पर जा कर के PSC CSC पर सभी बंधुओं से शपथ ग्रहण कराएं, हमको जो है टीबी जो है अपने यहाँ से मुक्त करना है। और जब तक इसमें हर व्यक्ति की सहभागिता नहीं रहेगी तब तक हम टीबी को मुक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह एक भयावह बीमारी है। इसका जो है समय लगता है ठीक होने में, लेकिन इसका कंप्लीट इलाज है। समय से उस व्यक्ति का यदि जांच हो जाता है तो वह ठीक भी हो जाता है और साथ साथ अपने करीब के जो लोग हैं जिनके साथ बैठना है, उठना है, रहना है, कार्य करना है, चाहे कोई विभाग का हो, चाहे ऑफिस का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, उसका जो है समय से इलाज हो जाता है और किसी को फैलने नहीं पाता है। जब तक हम टीबी के मरीज के साथ के रहने वाले लोगों कांटेक्ट का हम जांच नहीं कर लेते हैं तब तक
यह जो है संभव नहीं है कि हम जो है टीबी के मरीजों का कंप्लीट उन्मूलन कर सके। यह बहुत बड़ी समस्या है और यह समस्या तभी दूर हो सकता है जब समाज के हर व्यक्ति इसके प्रति जागरूक हों, इसको जानें कि जो है टीबी जो है, यदि किसी व्यक्ति को खांसी दो हफ्ते से ज़्यादा आता हो, सीने में दर्द होता है, खांसने पर खून आता है, वजन घटता हो, बुखार जो है शाम को आता है और उसका दिन प्रतिदिन जो है वजन घटता जाए, तो हो सकता है टीबी है। टीबी जो है ज़्यादातर जो फैलने का जो है वह खांसने वाला जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है उससे सबसे ज़्यादा चांसेस होता है ये फैले। अतः इसके बारे में, स्वास्थ्य के बारे में कि कैसे इससे बचाव किया जाता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर होता है। आप जो है मास्क लगाएं, मुंह पर तौलिया रखें, यदि कोई घर में व्यक्ति टीबी का है तो उसको साफ़ सफाई पर ध्यान दें, मक्खियां उसके आगे पीछे ना हो, थूके ना ज़्यादा, थूके तो फिर जो है ऐसे पात्र में थूके ले जा करके उसको कहीं गड्ढे में गाड़ दें जहाँ कि उस पर मक्खियाँ ना बैठें। यह बहुत अच्छी बात रही है और इस पर जो है प्रयास कर रहे हैं, हर विभाग के लोग प्रयास कर रहे हैं, जहां तहां मीटिंग हो रही है, इसका हमको बेनिफिट मिला है कि ज़्यादा से ज़्यादा केस देख ही रहे हैं कि 2018 और 17 में जो है हमारा जो है तुलना में 1018 सन 18 में 1000 केस बढ़े हैं। यानी यदि हमने 1000 केस को डिटेक्ट कर लिया, उसका इलाज कर सकते हैं, तो 15 गुना लोगों को टीबी होने से हमने बचा लिया। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है, इसलिए इसमें हर समाज के वर्ग के लोगों को इसमें ध्यान देने की ज़रूरत हो। जहाँ भी हो, यदि किसी व्यक्ति को समस्या होती है, खांसता है, तो ज़रूर चर्चा करें, भाई आपको खांसी कब से है, आपने किसी सही डॉक्टर को दिखाया कि नहीं दिखाया। और सरकारी अस्पतालों में इसकी मुफ्त जाँच है, समय से इलाज है और जाँच जो व्यक्ति जो है टीबी के मरीज को जो है चिन्हित करता है, नया केस को चिन्हित करता है, हमारी गवर्नमेंट जो है 500 रुपया उसको जो है सिर्फ जो है नए केस डिटेक्शन का देती है। जो व्यक्ति टीबी से ग्रसित चिन्हित होता है उसको 500 रुपया पर मंथ जो है गवर्नमेंट पोषण के रूप में देती है जब तक उसका इलाज चलता है, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर का हो चाहे सरकारी सेक्टर का हो। सुविधा इसलिए दी जा रही है कि जिससे कि इसके प्रति लोग जागरूक होंखें और समय से अपना इलाज कराएं और ठीक हो जाएं। विश्व क्षय दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्ष ये है कि हम उसको एक हफ्ते तक जन जागरूकता के लिए, टीबी रोग के रोकथाम के लिए जन जागरूकता करें, तो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 24 तारीख को एक हमारी गोष्ठी हुई थी, आज हम इसकी एक रैली निकाल रहे हैं जिससे कि हर व्यक्ति तक ये संदेश जाए कि टीबी को हमें 2025 तक भारत से मुक्त करना है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, और उसके लिए हर व्यक्ति की, हर एनजीओ की, हर चिकित्सक की ये जिम्मेदारी या सहयोग हमें चाहिए जिससे कि हम इसमें सफल हो सकें।